हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 5 प्रोडक्ट लेवल्स इन मार्केटिंग, या फिर आप इसको बोल सकते हो लेयर्स ऑफ द प्रोडक्ट, या फिर आप इसको बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ अ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो किसी भी नाम से क्वेश्चन आए तो आपको ये 5 जो लेयर्स है वो एक्सप्लेन करनी है किसी भी प्रोडक्ट की। जैसे हमारे पास जो है अलग अलग लेयर्स होती है प्रोडक्ट की भी, जैसे प्याज होता तो उसकी भी अलग अलग लेयर्स होती है, सेम हमारे प्रोडक्ट की भी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जो कि हमारे पास 5 हैं। कोर बेनिफिट, जेनरिक प्रोडक्ट, इसको हम बेसिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट एंड पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो वन बाय वन सारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये 4-5 जो हमारे पास जो लेयर्स है ये दी किसने थी। ये दी थी फ्लिप कॉटलर ने। कब दी थी? 1994 में। ठीक है, इतनी बात। अब देखो, जो कोर प्रोडक्ट है ना, कोर प्रोडक्ट क्या होता है? जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं ना, वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए लेते हैं, कि हमारा बेसिक पर्पज़ क्या है वो प्रोडक्ट लेने का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को फ़ोन ख़रीदना है, तो हो सकता है उसका मेरा बेसिक पर्पज़ क्या है कि भाई मेरे पास जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, इसलिए मैं फ़ोन लेना चाहती हूँ। हो सकता है कि मेरे को जो है इंस्टाग्राम चलाना है, इसलिए मैं फ़ोन ले रही हूँ। अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कंफर्ट लेवल के लिए जो मैं वो प्रोडक्ट ले रही हूँ, ठीक है, अब उसके पीछे मेरा पर्पज़ क्या है, दैट इज़ कोर प्रोडक्ट। सेकेंड बात करते हैं हम बेसिक प्रोडक्ट की, या फिर हम इसको जेनरिक प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो वो प्रोडक्ट है, मैंने जो मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, जो वो टेंजिबल वो प्रोडक्ट है मेरे लिए, जो एक तरीके से उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या बन गया, बेसिक प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं एक्सपेक्ट भी करूँगी, कि अगर मैंने मोबाइल फ़ोन लिया है तो उसके साथ जो है वो चार्जर भी आएगा, ये मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया है। जो कस्टमर जो है कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले एक्सपेक्ट करता है कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरे को ये बेनिफिट भी मिलेंगे। इसके बाद क्या हमारा ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट में क्या होता है, कुछ एडिशनल फैक्टर जो है, एडिशनल चीज़ें जो है वो सप्लायर ने हमें दे दी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते सेलर ने आपको दे दी, जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने क्या एक्सपेक्ट करा था कि मुझे मोबाइल मिलेगा और साथ में उसका चार्जर मिलेगा, बट जब मैंने फ़ोन लिया तो उसके साथ मेरे को हेडफोन भी मिल गई, फ़ोन का कवर भी मिल गया, तो वो तो मेरे लिए क्या था, अनएक्सपेक्टेड था। तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। जो आपको प्रोडक्ट के साथ कोई ऐसी सर्विसेज, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसी चीज़ें मिल जाएँ जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होती हैं, तो वहाँ पे जो है कस्टमर बहुत खुश होता है। और जब कस्टमर को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कुछ मिल जाता है तो उस कस्टमर को हम बोलते हैं डिलाइटेड कस्टमर, कि उसको जो है जो उसने एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज, उससे भी अच्छा प्रोडक्ट उसको मिला है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हुआ, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है पोटेंशियल प्रोडक्ट। पोटेंशियल प्रोडक्ट जो फ्यूचर में, जैसे मान लो आपको जो है फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया कि आपने यहाँ से फ़ोन लिया था, आगे से आप यहाँ से कुछ परचेज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, या फिर कुछ फ्यूचर में मैं अज्यूम कर रही हूँ कि इस फ़ोन में कुछ ऐसा हो जाए कि इसके अंदर जो है और ये फ़ीचर्स ऐड होने चाहिए, जो अभी मतलब इस टाइम पे वो फ़ीचर्स नहीं है। जो फ्यूचर से रिलेटेड होगा वो पोटेंशियल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जो चीज़ें हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि ये चीज़ें जिसके अंदर अब जो फ्यूचर में है, उसमें तो हम कुछ भी सोच सकते हैं कि काश ऐसा हो जाए, फ़ोन अपने आप चार्जर जो है वो चार्ज हो जाए, कुछ इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है पोटेंशियल प्रोडक्ट में, कि जो हम चीज़ें सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इसके अंदर ये ऐसे ऐसे बदलाव, ऐसे ऐसे चेंजेस और आ जाने चाहिए जिससे जो है हम और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करें और ये हमारे लिए और ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाए, तो इसकी कोई भी रेंज नहीं होती, बंदा कुछ भी सोच सकता। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसी कौन सी स्टेज है जिसको कभी फुलफ़िल नहीं किया जा सकता, जो एक तरीके से लिमिटलेस है, तो वो हमारी होती है पोटेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये 5 स्टेज थी जो हमने एक एग्जांपल के साथ करी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ से ये 5 स्टेज क्लियर हो गई हो। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।